हिंदुस्तान बाढ़ की और बारिश की चपेट में है। हिमाचल में लैंडस्लाइड हुआ, उसकी वजह से हजारों लोग सड़क पर फंस गए हैं। पूरे देश में बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और गुजरात इस वक्त सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है और वहां अलर्ट भी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे 21 पर आ गिरा। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। दूर से ली गई इस तस्वीर को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि चट्टान के अचानक गिरने से वहां कैसे अफरा तफरी मच गई। इसके गिरते ही धूल का ऐसा गुबार उठा जैसे कोई धमाका हुआ हो। लैंडस्लाइड की वजह से हनोगी माता मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर आवाजाही बंद हो गई। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले में 3 दिन से कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। रविवार को भी यही स्थिति रही। यहां के जाखम बांध का जलस्तर सुबह 24 घंटे में 1.25 मीटर बढ़कर 22.7 मीटर हो चुका है। इसकी क्षमता 31 मीटर है। अच्छी बारिश होने से नदी नाले भी उफान पर हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो नदी नालों से दूर रहें, लेकिन फिर भी लोग प्रशासन की चेतावनी अनसुनी कर रहे हैं। अब आपको उदयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। पिछले 36 घंटे की बारिश के बाद उदयपुर के नदी नाले उफान पर हैं। कुछ यही हाल टीडी नदी का भी है। इस दौरान एक पुलिया पार कर रही ये कार फिसलकर सीधे नदी में जा गिरी। कार में 3 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से एक की डूबने से मौत हो गई। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से 2 युवकों को बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। यहाँ के दुमस बीच पर ये 2 बहनें बाढ़ की चपेट में आ गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें बचा लिया गया है। बारिश की मार सबसे ज्यादा गुजरात पर पड़ी है। गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। निचले इलाकों के साथ साथ ऊपरी इलाके भी बारिश की चपेट में आ चुके हैं।